दोस्तों आप कैसे हो। मैं आज हूँ एचए डिस्कस में हूँ और आज हम लोग पूरी तरह से इनके पास जो हैचरी में एक्वेरियम फिश है वो कवर करने वाले हैं। सारे टैंक में यहाँ पे डिस्कस फिश है। हमारे साथ है मिस्टर अबूजर, इस हैचरी के ओनर। तो हाय अबूजर, कैसे हो? एकदम फर्स्ट क्लास। अच्छा, और एक मौका मिल रहा है हमारे व्यूअर्स को जी आपकी जो पूरी जो हैचरी है वो दिखाने के लिए। बिल्कुल। पहली बात तो आप यहाँ पे कौन सी ब्रीड करते हो? हमारे पास अभी येलो डायमंड्स है, ब्लू डायमंड्स के हैं, स्नो वाइट है, लेपर्ड है और टाइगर्स है, अल्बिनो प्लैटिनम्स हैं और भी बहुत सारी वेराइटीज़ हैं, वैसा अच्छा। भी होता है। तो कैसे अब इम्पोर्टेड? इम्पोर्टेड भी है हमारे पास, इम्पोर्टेड मतलब मलेशिया से आए हुए हैं और कुछ जो यहाँ पर मलेशिया से आकर के यहाँ पर जो ब्रीड होता है हमारे पास, तो लोकल ब्रीड भी है। लोकल ब्रीड भी है जी। और कैसे आपका मतलब होलसेलर हो कि रिटेलर हो? होलसेल भी है और रिटेल भी है, दोनों। होलसेल भी रिटेल भी है ना। अगर आपको कहाँ से अगर कॉल है, जैसे कि आउट ऑफ टाउन हो गया, जैसे मुंबई में तो हमारे तो बहुत सारे सब्सक्राइबर मुंबई में ही है जी, पर अगर आपको आउट ऑफ टाउन से कॉल है तो आप कैसे उनको मतलब सप्लाई कैसे करोगे? बाय रेल अगर सर्विस अवेलेबल है तो हम ट्रांसपोर्टेशन भी कर देते हैं। थर्मोकोल का बॉक्स होता है, उसमें ऑक्सीजन वगैरह करके फिर वो वैसा रेलवे से ट्रांसपोर्ट हो जाता है। अच्छा अच्छा। अगर कोई हॉबीस्ट है, जैसे कि होलसेलर तो क्वांटिटी में ही परचेस करेंगे ऑब्वियसली, अगर कोई शॉपकीपर है वो भी क्वांटिटी में परचेस करेगा, पर ऐसे भी जो हॉबीस्ट रहते हैं जो जिनको एक या फिर दो क्वांटिटी चाहिए, तो उस समय आप कैसे उनको सप्लाई करोगे या फिर कैसे मतलब डील कैसे करोगे? एक दो पीस चाहिए तो मैं समझता हूँ खुद से आकर के देख करके अगर बोलो तो ज़्यादा बेटर है। तो उसमें क्या उनको वेराइटीज़ भी देखने को मिल जाएगी और साइज पैटर्न शेप कैसा क्या उनकी चॉइस है वो हिसाब से भी उनको मिल जाएगा। बराबर। तो ये ज़्यादा बेटर होगा कि वो खुद आकर के देखकर ले जाएं। अच्छा, अगर वो आउट ऑफ टाउन में से है तो शिप, तो शिपिंग चार्जेस वगैरह जो भी है उनको पे करना होगा, वो हो जाएगा यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन। तो सर अगर आप मुंबई में हो, डिस्क्रिप्शन में इनका मैं पूरा मैं एड्रेस दे दिया है और कॉन्टैक्ट नंबर भी अभी आपको स्क्रीन में आता रहेगा। बेटर है मुंबई में रहोगे तो हैचरी पे विजिट करो, आप पर्सनली आप देख सकते हो कि इनके पास कौन से साइज में डिस्कस है और कौन सी वेराइटीज़ में डिस्कस है, उसके साथ इम्पोर्टेड है और इंडियन में, तो बहुत सारे वेराइटीज़ आप यहाँ पे आके देख सकते हो। अगर आप आउट ऑफ टाउन में हो तो इनसे एक बार आप कांटेक्ट करो, तो आपको जो भी वीडियोस में हम लोग अभी आगे जाके दिखाएंगे, तो जो भी आपको ब्रीड अच्छी लगेगी तो इनसे पर्सनली कॉन्टैक्ट करके आप ऑर्डर आप प्लेस कर सकते हो। तो अबूजर भाई देखो, यहाँ पर आपके पास बहुत सारे ब्रीड के डिस्कस फिश है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एक्वेरियम से। तो आप बताओगे आप कौन सा एक्वेरियम आप फर्स्ट आप शेयर करोगे? ये यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इधर ये है अल्बिनो प्लैटिनम्स और ये टाइगर है, ट्रिपल ए ग्रेट टाइगर है। ये सब मलेशिया के हैं, ये सब बहुत छोटे साइज़ के थे, तकरीबन एक दो इंच के साइज़ के थे जब भी हमारे पास आए थे और अभी ये करीब 3-4 महीने के हो गए हैं हमारे पास। तो इनकी ग्रोथ वगैरह और साइज़ वगैरह शेप वगैरह आप देख सकते हैं अच्छे से। अच्छा, तो ये अभी तकरीबन 4 इंच के हो गए हैं। 4 इंचेस के हो गए और एक ऐसे इंडियन है कि ये सब इम्पोर्टेड है, सब इम्पोर्टेड मलेशिया के हैं। अच्छा अच्छा। ये छोटे थे जब ही मलेशिया से आए थे, 2 इंच के अप्रोक्स साइज था इनका, अभी ये 4-5 महीना हो गया है लगभग, ये अभी 4 इंच क्रॉस हो चुका है। अच्छा, ये आप पर क्वान्टिटी कैसे सेल कर रहे हैं? ये पर पीस अगर चाहिए आपको तो 3500 है, 4000 भी है। अच्छा। और ये टाइगर में चाहिए तो ये 2000 है। अच्छा। 2500 है, अलग अलग साइज है, अलग अलग प्राइस है सबका। बराबर। तो अगर क्वांटिटी में तो आपके पास तो है ही अवेलेबल जी, जी। तो सीधा अगर कोई हॉबीज को क्वांटिटी में चाहिए रहेगा तो एक साथ परचेस कर सकता है जी। ओके, नेक्स्ट टैंक में सर? नेक्स्ट टैंक ये है, ये लेपर्ड्स हैं, रिंग लेपर्ड्स हैं, ये सब भी मलेशिया के हैं और ये फुल साइज है, ब्रीडिंग साइज है। अच्छा। ये इसमें भी अभी पेयरिंग हो रही है स्टार्ट, ये जैसा आगे पैर बनेगा तो अगर किसी को पैर में इंटरेस्ट है तो पैर भी सेल करते हैं हम। बराबर। और अगर एज अ हॉबी चाहिए, एक पीस दो पीस चाहिए तो वो भी मिल जाएगा, और नेक्स्ट हमारे पास अगर ये ब्रीड के लिए हुआ तो हम इसको ब्रीड भी करते हैं। अच्छा, एक अगर समझो कि मैं यहाँ से मेल फीमेल परचेस किया जी, तो श्योर शॉट मतलब ऐसा पेयर उनका लग सकता है, मतलब हो सकता है ऐसा कुछ? कन्फर्म नहीं, ऐसा कन्फर्म नहीं है जब तक आप 4-6 पीस क्वांटिटी एक साथ में रखे। अब इसमें मेल फीमेल सब आपस में येस, हम इनको इसको कन्फर्म नहीं कर सकते कि ये मेल और ये फीमेल है, उसके साथ में ये पैर हो ही जाएगा। ये आपने सही बात बोली, एक्चुअली क्या यही होता है कि नॉर्मली कैसे एक लेयर है फिश जी। ओके, तो हम लोग ऐसे एक लेयर फिश को स्कूल में ही खरीदते हैं जी, जो कि उनका पैर अच्छे से लगे। हाँ। बराबर है।
तो हॉबीज के ऐसे माइंड में हो जाता है कि अगर मैंने पेयर ले लिया मेल फीमेल तो इनका श्योर शॉट ब्रीडिंग होगा, तो उनके वो माइंड में आ जाता है वो कंफर्म पेयर लिया तो फिर उसमें कंफर्म होना है ब्रीडिंग होना है। बट अभी ये एज अ फ्रेश है, इसको आप एक एक पीस मेल और एक फीमेल, तो ये ऐसा 100% यस नहीं हो सकता है, और हो भी सकता है कभी हो जाए। बराबर सर आपने बोला। और इनका अभी पर पीस क्या प्राइस है? ये पर पीस 4000 है, 4500 है। अच्छा, और अगर कंफर्म पेयर है तो 10,000 अच्छा और 8,000-12,000 अलग अलग रेंज है, अलग अलग स्ट्रेन है, जैसा स्ट्रेन होगा वैसा प्राइस है अलग अलग। बराबर सही कहा आपने। अभी सर ये इसके बाद ये है, ये चेकर बोर्ड है, पांडा है, इसमें सुपर रेड है, ये सब भी मलेशियन है, इम्पोर्टेड है, ये अभी लास्ट वीक ही आए हमारे पास। बराबर। और अभी इनका साइज क्या है? ये अभी 5 इंच प्लस है सब साइज, 5 इंच प्लस है जी। और मैंने कैसे कि सारे जो डिस्कस देखे आपके हैचरी में सबसे खूबसूरत और जो डार्कनेस रहता है ना जी, वो यही लग रहा है जी, तो बिल्कुल। इसके बारे में कुछ डिटेल्स में बताओगे तो हमारे व्यूअर्स को अच्छा लगेगा। ये एक्चुअली इनकी फीडिंग और इनका वाटर पैरामीटर, ये आपको कैसा क्या रखना है, तो जितना हेल्दी रहेंगे उतना अच्छा ग्लो करेंगे, अच्छा स्किन भी इनकी क्लीन रहेगी और कलर भी ज़्यादा उतना शो होएगा, पैटर्न शो होएगा। और सर मैं क्या पूछ रहा हूँ, ये आपने मतलब ग्रूम किए कि नहीं? ये इम्पोर्टेड है, लास्ट वीक ही मलेशिया से आए हैं ये। अच्छा अच्छा। और जस्ट हम लोगों ने भी इसको ब्रीडिंग के हिसाब से लिया है ताकि ये हमारे पास ब्रीड हो, इसके आगे बच्चे वगैरह हो। बराबर। तो हम उस हमको भी सेल के लिए, या अगर किसी को चाहिए तो हम सेल भी करेंगे, सेल कर सकते जी। ये अभी क्या प्राइस में आएंगे? ये 3,500-4,000 रुपीस ईच है। अच्छा ईच है जी। ओके ओके। तो दोस्तों आप देख सकते हो इनका जो डार्कनेस कलर है ये स्पेशल है, मलेशियन ब्रीड है। और आपने देखा रहेगा जो मलेशियन ब्रीड के जो डिस्कस फिश रहते हैं उनका जो एक कलर रहता है वो बहुत ही एनहांस होता है, और आप देख ही सकते हो जैसे कि आपने अभी वीडियो में देखा जो इनके ऊपर जो पैटर्न दिख रहा है वो एग्जैक्टली निखर के आ रहा है बेसिकली। तो ये है मलेशियन डिस्कस जो कि बहुत ही पॉपुलर है पूरे वर्ल्ड में। अबूजर भाई नेक्स्ट हमारा ये सेक्शन, ये हमारा खुद का रेस किया हुआ है, इसमें आपको ये अल्बिनो रेड कवर है, सुपर रेड है, ब्लू डायमंड है, लेपर्ड है, रेड कवर है, इसमें काफ़ी सारी वेराइटीज़ है। और ये हमने खुद यहाँ पर अपने पास छोटे बच्चे थे उनसे रेस किया हुआ है। अच्छा। ये हमारा खुद का रेस किया हुआ है स्टॉक है। अच्छा रेस किया हुआ है। दोस्तों आप देख सकते हो बेसिकली क्या रहता है कि डिस्कस जो है आप छोटे साइज में तो लेना बहुत ही आसान रहता है, पर उसको एक बड़े साइज में कन्वर्ट करना, उसकी अच्छे से देखभाल करना बहुत ही मतलब बोले टास्क रहता है, जो कि बहुत लोग उसमें मैं बोल सकता हूँ कि थोड़े बहुत है जो उसमें है वो कमांड हासिल कर देते हैं। बट ऐसा हेल्दी आप स्टॉक देख सकते हो, इनके पास 1-2 इंच मतलब फ्राइज थे इनके पास, तो इन्होंने इनके पास जो लॉट था वो पूरी तरह से इनको रेज किया है, और आप देख सकते हो कि कितने हेल्दी है। बेसिकली हेल्दी डिस्कस ये मेन मैटर रहता है, आपको डिस्कस फिश कहाँ पर भी मिल जाएगा, पूरे मुंबई में लोकल शॉप में भी मिल जाएगा, पर एक हेल्दी डिस्कस मिलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल रहता है जो कि आपको एच ए डिस्कस में आपको देखने को मिल रहा है। और सर इसकी क्या प्राइस रहेगी? ये भी तकरीबन 2500 रुपीस से स्टार्ट होता है, 2500 रुपीस से ना, 2500 से 5000 तक का है। अच्छा अच्छा। अल्बिनोस के प्राइस थोड़ा हाई रहते हैं। ओके ओके। अच्छा अल्बिनो रेड है। या यस यस यस। और सर नेक्स्ट? नेक्स्ट ये है, ये येलो डायमंड्स के बेबीज हैं। हाँ हाँ। तो ये अभी तकरीबन 2-2.5 इंच का साइज है। बराबर। ये हमारे 6 फीट के टैंक में हम लोग ग्रोथ अच्छा ग्रोथ लेने के लिए 40-50 पीस ही रखते हैं ताकि अच्छी जगह मिले इनको, अच्छा ग्रोथ हो घूमने के लिए, साइज़ और शेप अच्छा है, तो वो हिसाब से अभी ये फिलहाल है। मतलब एक आपने जैसे अभी बात किया तो उसमें एक हमारे व्यूअर्स को एक टेक्निक बता दिया जी, एक केयर का तरीका बता दिया कि आप है ना मतलब बड़ा डाकी रहेगा उसमें आप इनको जितनी जगह मिलेगी घूमने के लिए, दूसरे की बॉडी रब नहीं होगी और वाटर पैरामीटर अच्छा होगा, फीडिंग अच्छी मिलेगी, तो उतना फास्ट ये ग्रोथ होंगे। तो ये सही आपने कहा जो कि अच्छी बात है जी। मैं तो नॉर्मली क्या मैं देखता हूँ 4-5 फीट का टैंक रहता है, उसमें बहुत सारे बेबीज हमें देखने को मिलते हैं जनरली। तो इनका भी रेट क्या है? ये अप्रोक्स 300-350 है, 400 है, अलग अलग साइज है जैसा एज पर साइज प्राइस है उसका जी। नेक्स्ट सर? नेक्स्ट ये है, ये भी येलो डायमंड के हैं, फर्स्ट बैच है ये, उसके बाद का वो जो देखा आपने वो सेकंड बैच था, मतलब F0 बैच है ये, और F1 है यस। तो इसमें भी आप साइज और क्वांटिटी देख सकते हैं, 6 फीट के टैंक में ये भी तकरीबन 45 पीस के आसपास है।
तो अभी इसका रेट क्या है? ये 2.5 इंच प्लस है, ये हम लोग 500 के ऊपर सेल करते हैं। अच्छा, 500 प्लस है। हाँ, 500 प्लस रेंज। ये आप पर पीस का पर पीस का रेंज बता? अगर व्यूअर्स क्वांटिटी में परचेस करेगा, मतलब क्वांटिटी में होलसेल आप ले रहे हो, मिनिमम 12 पीस ले रहे हो, तो उसमें हम प्राइस का जो भी होगा डिफरेंस कर देंगे। अभी नेक्स्ट टैग में सर? अभी ये नेक्स्ट है, ये 3 इंच के साइज़ है, इसमें रेड जर्मन पर्ल है, स्क्रीबल है, लेपर्ड है, बराबर, और इसमें काफ़ी सारी वेराइटीज़ मिक्स है ये, और सारे 2.5 to 3 इंच प्लस है, और ये भी अलग अलग प्राइस के हैं, अलग अलग शेप है, अलग अलग साइज़ है इसका सबका, बराबर। ये अभी क्या रेंज में आप दे रहे हो? ये 700 प्लस की रेंज है। 700 प्लस ना? मतलब हर एक स्ट्रेन के हिसाब से दे जी, स्ट्रेन के हिसाब से प्राइस अलग अलग है। अच्छा, मतलब 700 से स्टार्ट होगा जी, उसके बाद जो भी स्ट्रेन रहेगा उसके हिसाब से थोड़ा बहुत प्राइसिंग अप एंड डाउन जी। ये आपके डाउन साइड में जो टैंक है, ये नीचे टैंक में ये 2 इंच के हैं, 2 इंच प्लस है, इसमें इसमें रेड मैप है और टर्कोइश है, इसमें कुछ पीस स्नो वाइट के भी हैं, बराबर। और इसमें हमने फिलहाल अभी एक टॉप फिल्टर लगा के रखा है, ताकि हम वाटर पानी का कैसा क्या कंडीशन रहती है उसको देखने के लिए, फिश कैसा हेल्दी रहता है। इसमें टॉप फिल्टर नहीं लगा हुआ है, इसके अंदर टॉप फिल्टर लगा हुआ है, तो हम भी अभी देख रहे हैं कि टॉप फिल्टर लगाने से क्या रिजल्ट आता है। अच्छा। और टॉप फिल्टर लगाने की वजह से हमको रिजल्ट काफ़ी अच्छा है, इसमें बीमारी नहीं है उतनी ज़्यादा, ग्रोथ अच्छा हो रहा है इनको, पानी का पैरामीटर वगैरह बहुत अच्छा मिलता है। मतलब एक अच्छा है कि वाटर सर्कुलेट हो रहा है पूरे वाटर पूरा पानी टैंक का 6 फीट टैंक का पूरा सर्कुलेट हो रहा है। तो इसके लिए क्या हो रहा है कि जो भी डर्ट है वो तो स्पंज में तो जा रहा है, जा रहा है टॉप फिल्टर में चला जा रहा है, जो वाटर जो उनको आ रहा है वो फ्रेश आ रहा है, बिल्कुल फ्रेश होकर क्लीन होकर के आ रहा है। अच्छा अबूजर सर, मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ, जैसे कि इनके वाटर चेंजेस के बारे में जी, तो आप इनका वाटर आप कैसे करते हो चेंजेस? दिन में 2 बार इसका पानी चेंज होता है, मॉर्निंग में 30% होता है और शाम के टाइम पे 60% जी होता है ना, और दिन में इनको 4 से 5 मरतबा फीडिंग किया जाता है। अच्छा, और तो जैसा जैसा साइज बढ़ता जाता है फीडिंग इनकी कम होती है, ज़्यादा छोटे बच्चे रहते हैं तो 8 से 10 टाइम भी फीड करना पड़ता है। अभी फिलहाल हम इनको BHM दे रहे हैं, BHM है, बायोगोल्ड है, कभी थोड़ा बहुत टेट्राबिट्स वगैरह भी देते हैं। BHM में भी काफ़ी तरह के वेजिटेबल्स हैं और मेडिसिन वगैरह सब मिला करके इनको, स्पाइरुलिना वगैरह है, सब मिक्स करके इनको फीड करते हैं। तो एक है कि डिस्कस फिश को कैसे मल्टीपल वेराइटीज के अगर आप फूड दोगे तो अच्छा रहेगा जी, वो ज़्यादा बेटर रहता है इनको, सारी चीज़ें ये बहुत अच्छी तरह से हेल्दी होती हैं और बहुत अच्छी तरह से ग्रोथ होती है, जो ग्रोथ होती है। अच्छा, और इसका प्राइस क्या है? इसका प्राइस 250 से स्टार्ट होता है, 250 से स्टार्ट ना। अच्छा, वेराइटीज और आप बोल सकते हो एक कॉस्टली वेराइटीज BSP बल्गेरियन सील पॉइंट, यस, तो इनके पास है, बट एट प्रेजेंट जो इनके पास है आप देख सकते हो 4 क्वांटिटी में है, और अभी जो है ये इनको देख के ऐसा लग रहा है कि ये सारे अपने पेयर सेट के लिए रखे हैं, ब्रीडिंग के लिए रखे, ब्रीडिंग के लिए रखे, छोटे साइज में आए थे हमारे पास। अच्छा, मैंने एक्चुअली इनका नाम बहुत सुना है और पर्सनली बहुत देखा भी है, और प्राइसिंग में बहुत ही कॉस्टली रहती है, तो एग्जैक्टली मुझे समझ में नहीं है क्या इतना कॉस्टली क्यों रहता है। जैसे अल्टम पता है मेरे को कि अल्टम हम लोग तो सीधा वाइड से लेते हैं, तो वाइड वाले जो फिश रहते हैं जब भी हम लोग फ्रेश वाटर में कन्वर्ट करते हैं तो तभी उसका प्राइसिंग तो ऑब्वियसली हमें पे करना पड़, जैसे क्लाउन लोच वगैरह हो गए, तो इनका क्या है? एक्चुअली ये भी इंडिया में ब्रीड बहुत कम हुआ है। अच्छा, और ये बाहर से ज़्यादा आते हैं, मलेशिया है, थाईलैंड है, सिंगापुर है, ये सब जगह से आते हैं, तो अच्छा, हिसाब से इम्पोर्टेड आते हैं, अभी यहाँ पर इसका ब्रीडिंग इतना हुआ नहीं है, बहुत कम लोगों ने इसको ब्रीड किया है, तो वो हिसाब से इसका प्राइस थोड़ा अभी हाई। तो वही जी, मैंने देखा है कि BSP का बहुत प्राइसिंग रहता है जी, तो मुझे ऐसा लगता है इंडिया का जो वाटर है सूटेबल हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एक्वेरियम फिश है जी जो पहले बाहर ही ब्रीड होते थे, पर अभी इंडिया में बहुत सारे होने देखा है मैंने। और ये बाजू में सर कौन सा फाइटर है? ये प्लेकेट्स हैं। हाँ, ये अभी सारे बेबीज है ना जी? ये बेबीज है, ये हमारे यहाँ पर ही ब्रीड हुए हैं। अच्छा, ये तकरीबन 2.5 से 3 महीने के हैं। अच्छा, अभी लगभग तो मैच्योर साइज होने वाले हैं, एक आध महीना और लगेगा, ये हो जाएंगे सब बड़े साइज। अच्छा, बड़े साइज फुल साइज हो जाएगा। और नेक्स्ट टैंक में सर? नेक्स्ट ये है फिलिपिन ब्लू है, फिलिपिन ब्लू है, एक बैच ये है फिलिपिन ब्लू का। ये कौन सा, वो F0 बैच है जी? और F1 ये इसके साथ में क्रॉस हुआ था एक्चुअली। अच्छा, ये मार्बल के साथ में, तो ये इसके मार्बल के बेबीज आ रहे हैं, और ये इसकी फीमेल एक्चुअली मर गई है, फिलिपिन ब्लू वो भी थी, तो उसका ये बैच उसका ही है। अच्छा,
तो इसमें के सारे मतलब आधे इंचेस के भी नहीं रहेंगे? जी जी, और वो मेल है ना? वो मेल है। अच्छा, ये सेलिंग के लिए तो बाद में रेडी हो जाएगी ना? अभी सेलिंग के लिए इसको तभी एक महीना और लगेगा। एक महीना लगेगा ना। अच्छा, ये रिंग लेपर्ड का है, ये भी मलेशिया का है। हाँ हाँ, अभी ब्रीडिंग पे है ये लगा हुआ। तो ये फ्रेश पेयर है एक्चुअली, अभी फ्रेश पेयर है ना? मतलब ये फ्रेश पेयर है तो ऐसा कंफर्म तो नहीं बोल सकते? नहीं, ये कंफर्म हो चुका है। कंफर्म पेयर वहाँ पर हमारे वो स्टैंग में था, वहाँ पर कंफर्म हुआ पेयर, तो हम लोगों ने इसको अलग किया है। अच्छा अच्छा, ये अभी इनका पूरा टोटल साइज क्या है? ये टोटल साइज 6 इंच प्लस है मेल का, और फीमेल है 5 इंच प्लस। अच्छा, 5 इंच प्लस है क्या? ओके, और ये कैसे आप मतलब ये सेलिंग के लिए है कि कैसे क्या है? ये अगर किसी को चाहिए तो सेल भी करेंगे, वैसा हम लोग हमने तो इसको ब्रीडिंग के लिए निकाला है, अपने पर्सनल ब्रीड के लिए। हाँ हाँ, अगर आप बोल रहे हो कि सेलिंग के लिए तो क्या प्राइस में सेल करोगे? सेल करने के लिए इसको 10,000 रुपीज़ पेयर। 10,000 रुपीज़ पेयर ना? चलो, ये सेकंड पेयर है, इसमें एक स्किन है और स्नो वाइट का है, ये क्रॉस है। हाँ हाँ, ये भी हमारे पास ही पैर हुआ है। हाँ, ये फीमेल जो है ये मलेशिया की है। अच्छा, मलेशियन ब्रीड जी, ये मेल भी मलेशिया का ही है। ओके, यहाँ पर ये क्रॉस हो गए हैं तो हमने इसको भी, और ये हमारे पास यहाँ पर ब्रीड भी हो चुका है। अच्छा, ब्रीड भी हो गया जी। क्या तो इनके अभी बेबीज है कि मतलब? नहीं, इसके बेबीज नहीं है हमारे पास, वो लॉर्ड गए, सेल हो गए अभी, ये फिलहाल पैर बचा हुआ है। ये अभी क्या रेट में हो जाएगा? ये 8,000 रुपीज़ पैर। अच्छा, 8,000 रुपीज़ पैर ना। यहाँ पे सर ये नीचे है 2.5 इंच प्लस है, ये इसको सन मेरा भी बोलते हैं, रेड कवर ब्लू रिम भी बोलते हैं, कोई रेड कवर भी बोलता है, अलग अलग नाम है, अलग अलग लोग लेते हैं। ये इसका शेप भी काफ़ी राउंड है, काफ़ी अच्छा शेप है। और ये अभी क्या रेट में अभी आप सेल कर रहे हो? ये 700 अप्रोक्स। 700 ईच? अच्छा, 700 जी। डिस्कस है ये, इसमें मिक्स वेराइटी है, ये बेबीज है थंबनेल साइज़ के। हाँ हाँ, थंबनेल प्लस ही है, इसको कॉइन साइज बोलेंगे। इसमें ब्लू डायमंड है, सुपर रेड है, वाइट फेस येलो है। हाँ हाँ, अलग अलग स्ट्रेन है, सुपर रेड है। तीन चार वेराइटी मिक्स है इसमें। अच्छा, तीन चार वेराइटी है। ओके, ये अभी क्या प्राइस में सेल कर रहे हैं? ये अभी 150 है, कोई 200 का है। अच्छा, अलग अलग साइज है, साइज के डिपेंड है। बट अगर कोई व्यूअर जब बड़े साइज में लेके मतलब 2 इंचेस प्लस लेके तो वो सही रहता है ना? वो ज्यादा बेटर रहता है, सही रहता है। हाँ, उसमें मॉर्टिलिटी के चांसेस कम रहते हैं। यस यस, और वो क्या सर्वाइव भी कर जाते हैं, जगह चेंज होती है, वाटर पैरामीटर चेंज होता है, क्लाइमेट चेंज होता है, तो वो 2 इंच प्लस का लो तो ज्यादा बेटर है, वो सर्वाइव कर जाते हैं। तो देखो यहाँ पे बहुत सारा स्टॉक है, अलग अलग साइजेस में स्टॉक है। तो देखो अबूजर भाई भी बोल रहे कि इनके पास जो है ना मतलब 2 इंचेस प्लस लोगे तो सही रहेगा, उसमें आपको जो रिजल्ट है वो अच्छा मिलेगा, और उसमें आपको कलर्स भी आपको पता चलेगा कि डिस्कस फिश है कौन सा भी। हाँ, पैटर्न्स वगैरह स्टार्ट होते हैं। अभी यहाँ पे सर ये वाइट फेस येलो है, ये भी 1.75 टू 2 इंच प्लस है। हाँ हाँ, अगर व्यूवर्स को अगर चाहिए रहेगा तो कितने पे सेल होगा? ये 250 से रेंज स्टार्ट होता है इसका, अलग अलग साइज पे अलग अलग प्राइस इसका। अच्छा, अलग अलग स्ट्रेन इसके अंदर एक ही वाइट फेस येलो। बराबर, ये इसमें रेड मैप है, स्नो वाइट है, ये बड़ा पीस आप देख रहे होंगे ये स्नो वाइट का है। हाँ, बाकी रेड मैप है, ये टर्कोइश है, ये भी 3 इंच के आसपास के साइज है। हाँ, ये अगर आपको चाहिए तो 700 के आसपास के रेंज में आपको मिल जाएगा। और नेक्स्ट टैंक में सर? नेक्स्ट टैंक में ये रेड स्नेक स्किन है, रेड चेकर बोर्ड है, रेड मेलन है। ये अभी क्या साइज में है? ये 2 इंच के आसपास की साइज है। अच्छा, 2 इंचेस के साथ। अच्छा, ये थोड़ा बैड फिश है, अनहेल्दी है, तो इसको हम सेल नहीं करते। अच्छा, सेल नहीं करते जी, ये साइज और शेप वगैरह इसका बराबर नहीं, जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है, तो इस वजह से हम इसको सेल नहीं करते। अच्छा, तो रोस्तोरे को एचएल डिस्कस में एक मेरे को अच्छा लगा कि अगर जो बोलते हैं ना एक जेनेटिक या फिर जब भी ग्रोथ कर रहे हैं और उसका साइज़ अगर पैटर्न प्रॉपर नहीं है तो एक अच्छी बात है इनके पास कि ये सेल नहीं करते। मतलब इनके पास जो ब्रीड आपको ट्रू ब्रीड मिलेगा, आपको ऐसा फील नहीं होगा कि मैं यार मैं कौन सा डिस्कस लेके, क्योंकि बहुत सारे ब्रीड में ऐसा होता है, मतलब डिस्कस पे नहीं, बहुत सारे ऐसे एक्वेरियम फिश में होता है कि किसका अगर जेनेटिक ही सही नहीं रहेगा तो नॉर्मली क्या रहता है कि शॉपकीपर्स रहते हैं या फिर होलसेलर रहते हैं, वो सेल कर देते हैं, और बाद में आपको रिसर्च करने के बाद आपको पता चलता है कि यार इसका जो जेनेटिक है वो प्रॉपर ही नहीं था और मैंने परचेस कर लिया, तो एक आपका एक ट्रस्ट रहता है वो चला जाता है शॉपकीपर के ऊपर का या फिर होलसेलर के ऊपर का। तो एचए डिस्कस में आपको ऐसी जो मतलब ऐसी जो बात है होने वाले है, इन्होंने तो क्लियर कट बोला कि हमारे पास जो पीस है
तो ये प्रॉपर पीस नहीं है, थोड़ा डैमेज पीस है या फिर इसका जेनेटिक सही नहीं है, तो हम लोग सेल नहीं करते। तो एक बात मेरे को बहुत ही अच्छी लगी और मैं इस अप्रिशिएट करता हूँ इस चीज़ को। इसके अंदर है सुपर रेड है, रेड कवर के पीस है, ब्लू डायमंड है, तीन चार वेराइटी इसके अंदर भी है, और ये 1 इंच प्लस है, 1.5 इंच प्लस है। अच्छा, इसमें भी दो साइज है। और ये क्या रेंज में? ये 250 से लेकर के 350-400 तक का रेंज है इसमें। अच्छा, और ये नेक्स्ट टैग में यहाँ पे नेक्स्ट ये टैग है, इसके अंदर वाइट डायमंड है, ब्लू डायमंड है, सुपर रेड है, ब्लू और रेड कवर के हैं, रिंग लेपर्ड के हैं, इसमें भी तीन चार वेराइटी मिक्स है। और ये 2 इंच प्लस का साइज़ है ये भी। सो नॉर्मली देखा आपने अभी कुछ एक दो मिनट पहले आपने वीडियो देखा रहेगा, तो उसमें हमने जो दिखाया वो 1 इंचेस का हमने साइज़ दिखाया। तो जैसे कि अबूजर भाई ने पहले बोला था कि जब भी आप 2 इंचेस के ऊपर का लेते हो तो आपको जो एक जो पैटर्न रहता है, मतलब 2 इंचेस के ऊपर का जब भी आप लोगे तो एक पैटर्न रहता है वो डिस्कस फिश का, आपको पता चल जाएगा कि कौन सा इसके ऊपर पैटर्न है, कौन सा एग्जैक्टली कौन सी ब्रीड है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये 2 इंचेस के है और आप देख सकते हैं इनके ऊपर अभी पैटर्न आना शुरू हो गया है, तो आपको इसे पता चलेगा। और दूसरा बात कह रहे थे कि अगर स्मॉल साइज़ में है आप ले सकते हो, नो डाउट, पर कैसे 2 इंचेस या फिर 2 इंचेस के ऊपर भी लोगे तो जो मॉर्टेलिटी जो रेट रहता है वो बहुत ही कम आपको मिलेगा डिस्कस फिश का। तो एक अच्छी बात है, इनके पास सारे साइजेस में अवेलेबल है, तो आप इनसे आप कांटेक्ट करके आप ले सकते हो। तो यहाँ पे अबूजर भाई कौन सा है? ये रेड मैप है और टर्कोइश है। अच्छा, टर्कोइश, इसमें स्नो वाइट भी है कुछ पीसेस, ये सब भी 2 इंच प्लस का साइज है। तो इसके ऊपर भी देखिए आप बॉडी पैटर्न वगैरह सब स्टार्ट हो गए, कलर भी स्टार्ट हो गया है। और ये अभी क्या रेट में आप सेल कर रहे हो? ये 350 प्लस की रेंज है। 350 के प्लस। तो दोस्तों आपने देखा एचए डिस्कस में यहाँ पे जितना भी जो स्टॉक है हमने वो पूरी तरह से कवर किया है, और हर एक डिस्कस फिश के बारे में हम लोग ने इंडिविजुअली बताया। और कैसे अबूजर भाई है, उनको बहुत सारे सालों का एक्सपीरियंस है, उन्होंने अच्छी तरीके से बात की जो हम लोग ने वीडियो शेयर किए। अगर अब तक अगर जिसने भी वीडियो है देखा रहेगा तो उसको सारे डिस्कस फिश की प्राइसिंग तो पता चली रहेगी, उसके साथ एक थोड़ी बहुत आपको केयर टिप्स भी मिली रहेगी, तो जिससे आपको पता चला रहेगा कि डिस्कस फिश के लिए वाटर वॉल्यूम कितना देना चाहिए। दूसरी बात है कि आपको कौन से साइज़ से ऊपर आपको परचेस करना चाहिए, इम्पोर्टेंट ब्रीड क्या रहता है, इंडियन ब्रीड क्या रहता है, तो सारे आपको अबूजर भाई ने आपको नॉलेज दिया इस वीडियो में। तो दोस्तों अभी इस वीडियो को यहाँ पे मैं एंड करने को जा रहा हूँ। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा रहेगा, हेल्पफुल लगा रहेगा। मिलते कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग और अच्छे खासे टॉपिक के साथ, तब तक दोस्तों टेक केयर एवरीवन एंड बाय।